ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित है। आज मैं आप सबके लिए दो गुड न्यूज लेकर आया हूँ। सबसे पहली गुड न्यूज तो ये है कि सनातन वेलनेस सेंटर सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इसकी सहायता से क्या होगा कि लोगों के अंदर सीकेडी की अवेयरनेस फैलाई जाएगी। किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे पहला तरीका होता है कि उस बीमारी को होने ही ना दिया जाए। लोगों को सीकेडी को लेकर तब पता चलता है जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन खराब हो चुकी होती है, केराटिन 7-8-9 हो चुका होता है। अगर जैसे ही पेशेंट का बीपी 150/100 से ज्यादा रहने लगे, पेशेंट सही समय पर उसकी जांच करवा ले और स्टार्टिंग में ही उसको पता चल जाए कि उसकी किडनी खराब होने लग रही है, तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये भी हो सकता है कि पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए डायलिसिस से बचाया जा सके। तो इस वजह से लोगों के अंदर सीकेडी की अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को डायलिसिस जैसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, उसको दूर करने के लिए सनातन वेलनेस सेंटर बहुत जल्द सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करेगा। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आप सबको जीरो वोल्ट थेरेपी डॉक्टर विश्वरूप सर ने जो लॉन्च की है उसकी पूरी की पूरी डिटेल सिखाई जाएगी। ऐसे लेकर के जेड तक पूरी की पूरी थेरेपी कैसे घर पे करनी है, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे सेफली उसकी सहायता से खुद को ठीक कर सकते हो, आपको A to Z सिखाया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सीकेडी और किडनी डिजीज कितने प्रकार के होते हैं वो बताना प्रारंभ करता हूँ। जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको जीरो वोल्ट थेरेपी सिखाऊंगा और उसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें कैसे नॉन डायलिसिस पेशेंट को ठीक करा जाता है, कैसे डायलिसिस पेशेंट को ठीक करा जाता है, इसका सारा ट्रीटमेंट प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए ज्यादा लेट करें अपना आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे किडनी डिजीज कितने प्रकार की होती हैं। आमतौर पे वैसे तो बहुत तरीके की किडनी डिजीज हो जाती है, लेकिन हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक हो गया एक्यूट किडनी डिजीज, दूसरी हो गई क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसको कि सीकेडी कहते हैं। एक्यूट का मतलब ये है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या सिस्ट हो गया या साइड वाले ऑर्गन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा और किडनी डैमेज होने लगेगी। लेकिन एक्यूट में डायलिसिस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपकी जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी के ऊपर इफेक्ट आने लग रहा है वो ठीक होती है, तो आपकी एक्यूट किडनी डिजीज ठीक हो जाती है, आपका क्रिएटिनिन वापस नॉर्मल रेंज में हो जाता है। दूसरी होती है सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर समय रहते हुए एक्यूट किडनी डिजीज को ना पहचाना जाए और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके उसको ठीक ना करा जाए, या फिर किडनी के अच्छे से ख्याल ना रखा जाए, लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा गलत करा जाए, तो हमारी धीरे धीरे करके किडनी फेल होती चली जाती है और किडनी फेल होने के बाद वो कभी रिकवर नहीं करती एलोपैथी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। और जब वो रिकवर नहीं करती तो उसी को क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है कि अब ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, अब या तो ट्रांसप्लांट करवा लो या तो डायलिसिस करवा लो। जब तक डायलिसिस चलेगा तब तक पेशेंट जिएगा। जिस दिन पेशेंट की बॉडी ने डायलिसिस को सपोर्ट करना बंद कर दिया, या तो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाएगा या तो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको सीकेडी डिजीज कहते हैं, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। क्या किडनी की डिजीज ठीक हो सकती है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे सीकेडी हो, इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की किडनी में दिक्कत आने लग गई तो पहले नंबर पे तो किडनी के फंक्शन क्या होते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर दिक्कत आ गई है तो सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि किडनी फेल होने चालू हो गई है। किडनी का केवल एक काम नहीं होता, किडनी के बहुत सारे काम होते हैं। किडनी यूरिया को, यूरिक एसिड को, पोटेशियम को, फॉस्फोरस को, क्रिएटिनिन को, सबको बाहर निकालती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, शरीर में बढ़े हुए टॉक्सिन को बाहर निकालती है। ये तो केवल एक फायदा है, लेकिन उसके अलावा किडनी का दूसरा मेजर फायदा होता है कि यह हीमोग्लोबिन बनाने में भी सहायता करती है। अगर किडनी खराब होने लग जाती है तो हीमोग्लोबिन लेवल डाउन आने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को थकान रहने लग जाती है, वीकनेस आने लग जाती है, और हीमोग्लोबिन बढ़वाने के लिए या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है या आयरन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और तीसरा और सबसे मेजर बेनिफिट रहता है कि यह शरीर में सूजन नहीं होने देती। किडनी अगर अच्छे से काम करने लग रही है तो यूरिन आउटपुट अच्छा रहेगा, यूरिन बाहर निकलता रहेगा, तो शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा नहीं होगा, एक्स्ट्रा पानी जमा नहीं होगा तो सूजन नहीं आएगी। जिसकी किडनी खराब हो जाती है धीरे धीरे करके उसका यूरिन आउटपुट कम होता चला जाता है और शरीर में सूजन बढ़ती चली जाती है। ये तो हो गया कि किडनी के फायदे क्या है, किडनी काम क्या करती है, अब किडनी खराब हो गई तो सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला और सबसे मेजर सिम्टम जो कि किडनी खराब होने पे होता है वो होता है बीपी का बढ़ना। अगर किसी पेशेंट का बीपी 120/80 से ज्यादा रहने लगा है और धीरे धीरे करके 140/100 या 150/100 को क्रॉस करने लग रहा है, जिस टाइम आपका बीपी बढ़ने लगे तो ये समझ जाना चाहिए या तो हार्ट में दिक्कत होने लग रही है या किडनी में दिक्कत होने लग रही है, पेशेंट को तुरंत अपना KFT टेस्ट करवा के क्रिएटिनिन की जाँच करवानी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उसको सीकेडी की दिक्कत होने लग रही है या उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आने लग रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उसको ठीक करने के ऊपर वर्क करना चाहिए। अब कुछ लोग मेरे को ये कहेंगे कि डॉक्टर विश्वरूप सर तो टेस्टिंग करवाने को मना करते हैं, लेकिन आप टेस्ट को क्यों कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो कि KFT टेस्ट करवा के क्रिएटिनिन को नजर में रखा जाए। देखिए, मैं इस वजह से कहने लग रहा हूँ क्योंकि टेस्ट करवाना इस वजह से जरूरी है, पहले के टाइम पे जो नाड़ी वैद्य होते थे नाड़ी देख के ही पेशेंट को बता देते थे कि तेरी किडनी में दिक्कत क्या है,
तेरी किडनी खराब होने लग रही है। तो टेस्टिंग पहले भी होती थी, लेकिन पहले इतनी फास्ट टेस्टिंग होती थी कि तुरंत पता चल जाता था और जल्दी से ट्रीटमेंट देके पेशेंट को बचा लिया जाता था। आज के टाइम पे इतने ज्यादा एजुकेटेड और इतनी ज्यादा हाईली नॉलेज रखने वाले नाड़ी वैद्य अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में है, और इसी वजह से जब टेस्टिंग होती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। मैं टेस्ट करवाने के लिए केवल इस वजह से कहने लग रहा हूँ क्योंकि अगर आप टेस्ट करवाओगे तो आपको स्टार्टिंग में आपकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी और आप उसको ठीक करवा के उसको क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट होने से पहले अपने आप को बचा पाओगे। तो किडनी खराब होने पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी खराब होने लग रही है, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सबसे पहला सिम्टम आएगा बीपी का बढ़ा रहना, दूसरा सिम्टम आएगा शरीर में थकान होने लग जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, सांस फूलने लग जाना, और उसके बाद जब क्रोनिक कंडीशन हो जाएगी यानी कि केराटिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपको सिम्टम्स आएंगे जैसे कि चेस्ट में घबराहट होने लग जाना, वोमिटिंग बहुत ज्यादा आना, भूख बिल्कुल भी ना लगना, डायरिया बहुत ज्यादा लगना, बेहोशी आ जाना, और कई बार तो पेशेंट डायरेक्टली कोलैप्स भी हो जाता है और उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। अब इसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि सीकेडी को ठीक होने में कितना टाइम लगता है। अगर कोई नॉन डायलिसिस पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट लेता है तो उसमें हम 90-99% की गारंटी लेते हैं, हमारा बहुत अच्छा सक्सेस रेट है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर डायलिसिस नहीं हुआ है और केराटिन जस्ट बढ़ना चालू हुआ है तो 6 महीने से 1 साल के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सीकेडी रिवर्स हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे इतना टाइम लगेगा, देखिए ये टाइम सीकेडी को केराटिन को नॉर्मल लाने का नहीं है, ये सीकेडी को रिवर्स करने का टाइम है। अगर आपका केराटिन 1.3 भी हो गया है तो इसका मतलब ये है कि किडनी फंक्शन रेट कम से कम 30-40% घट गया है। तो अगर केराटिन को वापस नॉर्मल रेंज में लेकर आना है तो उसके बाद भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि किडनी को पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी बनाया जा सके। तो अगर नॉन डायलिसिस पेशेंट आता है जिसका केराटिन बढ़ना चालू हुआ है, 6 तक पहुंच गया 7 तक पहुंच गया, उसको ठीक होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा। अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट आता है तो उसमें लंबा समय लगेगा, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट में ऐसा नहीं होता, उसकी किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी होती है, एकदम से अगर डायलिसिस से हटाएंगे तो लाइफ के ऊपर बात आ जाएगी। तो पहले पेशेंट की किडनी को कम से कम 30-40% रिवाइव करना होता है, रिवाइव करने के बाद ही डायलिसिस बंद करा जाता है, और जब भी डायलिसिस बंद करा जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंट का केराटिन बढ़ेगा और उसको वापस नॉर्मल रेंज में लेके आया जाएगा। यानी कि सबसे पहले नंबर पे तो पेशेंट की किडनी को इतना रिवाइव करना पड़ेगा कि वो नॉन डायलिसिस कैटेगरी में आ जाए, उसकी किडनी बॉडी को सपोर्ट करने लगे। उसके बाद जब बॉडी सपोर्ट करने लगेगी तो पेशेंट को डायलिसिस से नॉन डायलिसिस कैटेगरी में लाया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके और ज्यादा पेशेंट की किडनी को रिवाइव करा जाएगा। तो इस वजह से जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उसमें लंबा समय लगता है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, और अगर मान लीजिए किसी को साथ में शुगर की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, तो थोड़ा और लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन हाँ, हमने ये देखा है कि सीकेडी रिवर्स हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट आने लग रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट में। अब अगले नंबर पे आप पूछोगे कि हमें करना क्या चाहिए, हमें कैसे अपनी बीमारी को ठीक करना चाहिए, कैसे किडनी को बिल्कुल हेल्दी बनाना चाहिए। तो उस चीज को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अब तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो सीकेडी को रिवर्स कर सके। मैं आपको ओपनली बताने लग रहा हूँ, आप कहीं पर भी लाखों रुपए दे के अपनी दवाइयां लोगे, दवाइयां लेने के बाद आपका पैसा बर्बाद जाएगा, पैसा बर्बाद होने के बाद आप देखोगे कि केराटिन बढ़ता गया और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो अगर आप ये सोचने लग रहे हो कि दवाई लेके आप सीकेडी को रिवर्स कर दोगे तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाओ, और आप ठीक होगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा पेशेंट सीकेडी के देख लिए हैं, और 1000 से ज्यादा पेशेंट से मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ जो जगह जगह से दवाई लेके थक चुके हैं। तो मैं ना केवल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बल्कि 1000 से ज्यादा पेशेंट के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने लग रहा हूँ कि कोई भी दवाई सीकेडी के केस में काम नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ दवाइयों में आपका पैसा बर्बाद होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी को रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी से ये दवाइयों से सीकेडी रिवर्स होने लग रही है और बिल्कुल ठीक हो जाती है तो नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर उसकी सहायता से हम किसी इंसान की हेल्प कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अपनी नॉलेज से और एक्सपीरियंस से जो चीज मैं आपको बताने लग रहा हूं वो ये है कि दवाइयां सीकेडी के केस में हेल्प नहीं करती है। सीकेडी एक तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आपको उसको ठीक करना है तो आपको अच्छे से सीकेडी को सीखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके उसको ठीक करना सीखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल तो हम चेंज करना आपको बताते ही हैं, आपको डाइट चार्ट में पूरा कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, कैसे उसको रिवर्स करना है सीकेडी को, कैसे पहले की तरह हेल्दी होना है, सभी चीजें हम आपको सिखाते हैं। एक मिरेकुलस चीज जो सीकेडी में काम करने लग रही है वो है हमारी मेटल थेरेपी। जो हम पेशेंट को मेटल थेरेपी देते हैं उसमें आयुर्वेद में जिस प्रकार से स्वर्ण भस्म, चंद्र भस्म, हीरक भस्म बहुत अच्छी प्रकार के भस्मों का प्रयोग करा जाता था शरीर को ताकत देने के लिए, ठीक इसी प्रकार से हम मेटल थेरेपी पेशेंट को सिखाते हैं जिसमें बहुत प्रीशियस मेटल्स का प्रयोग करते हैं और पेशेंट के ऑर्गन्स को और पेशेंट के
बॉडी को उसकी सहायता से रिवाइव करते हैं। तो लाइफस्टाइल के साथ में जब आप मेटल थेरेपी को कंबाइन करके चलते हो तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं और सीकेडी रिवर्स हो जाती है और ये पॉसिबल है। और इसके सबूत हमने ना केवल अपने चैनल के ऊपर टेस्टिमोनियल में दे रखे हैं बल्कि पेशेंट की रिपोर्ट भी शेयर कर रखी है। तो इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे को दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो या आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।